अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हाल ही में जीवन सेन पब्लिकेशन ने क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए ML भार्गव बुक की वॉल्यूम 2 रिलीज करी है, तो आज हम इस वीडियो में वॉल्यूम 2 का डीप एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे ये बुक अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस, लेटेस्ट CBSE सिलेबस बनाई गई है नहीं बनाई गई। और उसके बाद आप में से जिसने भी वॉल्यूम 1 परचेस करी है अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो, जैसा मैं आपको अभी रिव्यू दूंगा उसके हिसाब से आप वॉल्यूम 2 परचेस कर लेना। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो गाइज, ये हमारी बुक का कवर पेज है, थोड़ा सा ग्रीनिश लुक दिया गया है, एंड कवर पेज पर ही यहाँ पर लिखा गया है वॉल्यूम नंबर 2। जीवन सेन पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है, बाय ML भार्गव ने इनको लिखा है, ठीक है। दिस इज अवर वॉल्यूम नंबर 2 का इंडेक्स, ये हमारी बुक का इंडेक्स नंबर है। आप लोगों को मालूम होगा, जिन्होंने वॉल्यूम नंबर 1 परचेस करा हुआ है उनको पता है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 का जो कवरेज है वो वॉल्यूम नंबर 1 में किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 का कवरेज वॉल्यूम नंबर 2 में है, और साथ में ही जो चैप्टर CBSE ने बाद में इंट्रोड्यूस करे थे वो सभी चैप्टर भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शेड्यूलिंग हो गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। ये सभी के सभी चैप्टर CBSE ने लेटेस्ट इंट्रोड्यूस करे थे अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बुक तैयार करा है, और अप्रैल मंथ के CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला बुक तैयार किया गया है। डेट इज वाई आप इसके अंदर ये चैप्टर यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि CBSE ने कल दोबारा से सिलेबस चेंज करा है, और CBSE का कहना है कि अब आपका जो सिलेबस है वो टर्म 1 और टर्म 2 के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो इस वॉल्यूम 2 में से ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको टर्म 2 में हेल्प करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो इन ये जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है ये वाला तो टर्म 2 का चैप्टर है, ये जो इंडेक्स नंबर है ना ये वाला टर्म 1 का चैप्टर है, टाइम सीरीज टर्म 2 का चैप्टर है, फाइनेंशियल मैथ्स टर्म 2 का चैप्टर है, स्टॉक डिबेंचर टर्म 2 का चैप्टर है, और लीनियर प्रोग्रामिंग भी टर्म 2 का चैप्टर है। इसके बाद जो नए चैप्टर इंट्रोड्यूस करे हैं इन्होंने, शेड्यूलिंग, ये वाला टर्म 1 में चैप्टर होता, लेकिन CBSE की माया, CBSE ही जाने, उन्होंने ये वाला चैप्टर ही डिलीट कर दिया है, बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है शेड्यूलिंग चैप्टर। उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ये हमारा टर्म 1 का चैप्टर है, ये डिलीटेड नहीं है, ये वाला आएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शन भी टर्म 1 का चैप्टर है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी टर्म 1 का चैप्टर है। CBSE की माया, तो भैया CBSE ही जानता है, CBSE ने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी चैप्टर बिल्कुल ही उड़ा दिया है। इसके बाद टेंजेंट, जो टेंजेंट नॉर्मल है ये भी टर्म 1 का चैप्टर है, एंड जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है ये हमारे टर्म 2 का चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं एक ये वाला चैप्टर हो गया जो टर्म 1 में आपकी हेल्प करेगा, और उसके बाद एक ये वाला चैप्टर हो गया यानी कि सेकेंड चैप्टर, उसके बाद ये थर्ड चैप्टर, उसके बाद ये फोर्थ चैप्टर, और उसके बाद ये फिफ्थ चैप्टर। तो कुल मिलाकर वॉल्यूम 2 से आपकी जो हेल्प करेंगे टर्म 1 के सिलेबस में वो टोटल 5 चैप्टर हैं। और इस वाली बुक का आज की डेट में अमेजोन पर जो प्राइस है वो 194 करा गया है, 194 में आपको ये वाली बुक अवेलेबल है आज के टाइम पर। MRP मैं इस बुक का नहीं जानता, ये वाला प्राइस अमेजोन का प्राइस है, 194 में ये बुक आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप देख लेना, कुछ उसमें डिलीवरी चार्ज एड ऑन होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये बुक 194 में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ टेबल्स वगैरह भी दिए गए हैं, टेबल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे टर्म 1 की बात करें चाहे टर्म 2 की बात करें। विदाउट टेबल, इस वाली टेबल में ना डेफिनेटली आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले टेबल में एक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ना ये आपके टर्म 1 का सिलेबस है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, ये दोनों के दोनों टेबल टर्म 1 में आएंगे, ठीक है। तो उन टेबल को, मतलब उन टेबल के बिना हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम 2 से एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमें यूज में आएगा, और बाकी टोटल मिलाकर के 5 चैप्टर हमारी यूज में आएंगे। अब हम इसमें से ना एक काम करते हैं, मैंने
जीवन सेन पब्लिकेशन थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा उनको, बोला कि भाई आप हमें थोड़ा जो टर्म वन का चैप्टर है उसका पीडीएफ अगर सेंड कर सकते हैं तो सेंड करिए। तो जीवन सन पब्लिकेशन ने बोला कि भाई हम आपको पूरा पीडीएफ तो नहीं सेंड कर सकते, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट और एंडिंग का पार्ट आपको हम सेंड कर देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, अब हमें सेंड करिए, जिससे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता पाऊं कि जो 5 चैप्टर इस बुक के हैं, ये वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस में हमारी हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं आपको इस बुक के पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, जहां पर हमें इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 14 के कुछ स्टार्टिंग के पेजेस और कुछ एंडिंग के पेजेस दिए गए हैं। देखो जी, ये हमारे बुक का थोड़ा सा पीडीएफ है, चैप्टर नंबर 14 इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर में आप लोगों को मालूम होगा लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तो सबसे पहले टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर देखना है, डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर देखना है, इंडेक्स नंबर के एडवांटेजेस, इंडेक्स नंबर को बनाने में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, और इंडेक्स नंबर के मेथड्स देखने हैं। तो चेक करते हैं ये सब चीजें इसमें है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन है, और फिर ये इंडेक्स नंबर का यहाँ पे एक डायग्राम बना करके बताया गया है कि इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये था थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसका, इसको एक्सप्लेन करा हुआ है कि ऐसे ऐसे इंडेक्स नंबर होता है। इसके बाद एक आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है कि इंडेक्स नंबर का प्रॉपर डेफिनेशन ये है। इसके बाद इंडेक्स नंबर की इन्होंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक वगैरह दे रखी है। ठीक है, इन सभी को हमें ध्यान से पढ़ना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एकदम बेहतरीन लेवल से पढ़ाऊंगा, और इसी बुक में से शायद से मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें यहाँ पे टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर दे रखे हैं कि इंडेक्स नंबर के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रखे, देखो टोटल 3 टाइप होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। शाबाश, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेल डन। इसके बाद हमें इसके अंदर एक बात देखनी है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब करेक्टरिस्टिक। तो भैया देखो, यहाँ पे इंडेक्स नंबर का करेक्टरिस्टिक भी दे रखा है। ठीक है, इसके बाद ये एक इन्होंने इसी जो मेन हेडिंग के अंदर छोटा सा फॉर्मूला यूज होना है वो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है। एक इन्होंने यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और एक देखो, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बनाने में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं वो इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, डेफिनेशन पर्पस क्लियर होना चाहिए आपका, आपको आइटम का सिलेक्शन अच्छे से करना है। ठीक है, इंडेक्स नंबर का डेटा अवेलेबल रहना चाहिए। तो ये सब चीजें इसमें इसका मतलब क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आता है इन सब चीजों में। ठीक है, उसके बाद एक ये बेस ईयर का सिलेक्शन, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा कि बेस ईयर का सिलेक्शन प्रॉब्लम कैसे है, जब मैं आपको ये वाला चैप्टर करवाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा कि बेस ईयर का सिलेक्शन करना प्रॉब्लम कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि फॉर्मूलाज हमें दे रखे हैं या नहीं दे रखे। फॉर्मूला से पहले भी इन्होंने यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, बहुत बढ़िया। लिमिटेशन के बाद यहाँ पे, हाँ ये देखो, दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल। जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं वो दो होते हैं, एक तो सिंपल इंडेक्स नंबर और एक वेटेड इंडेक्स नंबर। फिर इसके अंदर भी सब कैटेगरी होती है, सिंपल एग्रेसिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, वेरी गुड। इसी तरह यहाँ पर भी वेटेड एग्रेसिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेगा। इसके आगे की कहानी हमारी पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं की गई है, यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि जो अपना सिंपल इंडेक्स नंबर है, सिंपल इंडेक्स नंबर के ये दो मेथड हैं जो हमने टेबल में देखे थे। अब मे बी इस पीडीएफ के नीचे वाले पार्ट में इन्होंने ये वाला मेथड एक्सप्लेन करा होगा कि इस वाले मेथड से ऐसे कैलकुलेट होगा, उस वाले मेथड से ऐसे कैलकुलेट होगा। इसके बाद हमारे पास इन्होंने हमें लास्ट के पेजेस दिए गए हैं, तो एक बार लास्ट के पेजेस में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक है हमारा यहाँ पर ये पेज नंबर 14.29, डायरेक्ट पेज नंबर 14.29, और एक यहाँ पे एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, मिसिंग वेरिएबल का क्वेश्चन है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करा हुआ है। पता नहीं क्वेश्चन कौन सा था, जो भी क्वेश्चन होगा हमारे पास जब बुक आएगी हम चेक कर लेंगे एकदम बढ़िया से। इसके बाद ये भी हमारे सिलेबस में है, 14.11, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, यानी कि इंडेक्स नंबर सही बना है या नहीं बना वो कैसे पता चलेगा। तो उसके टोटल मिलाकर के 4 टेस्ट होते हैं, चारों के चारों टेस्ट इन्होंने अपनी बुक में कवर करे हैं। लेकिन सीबीएसई की माया सीबीएसई ही जाने, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ ये टाइम रिवर्सल टेस्ट पढ़ना है। ठीक है, ये वाला सेकंड पॉइंट है ना, टाइम रिवर्सल टेस्ट।
हमें बस इस टाइम रिवर्सल टेस्ट का एप्लीकेशन पढ़ना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट का डेफिनेशन और इसका एप्लीकेशन दोनों ही इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद इस बुक के एकदम एंडिंग का ये पेज है 14.37। 14.37 पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख पा रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। यही तो हमें मेन मुद्दा चाहिए था इस बुक के अंदर कि एमसीक्यू क्वेश्चन है या नहीं है। तो भाई एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेटली इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। P1 और P0 एक कॉमोडिटी के प्राइस हैं। एक का प्राइस बेस ईयर पे है, दूसरे का प्राइस करंट ईयर पे है। तो प्राइस रिलेटिव का आंसर क्या होगा, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हमें बताना है अगर किसी कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो बेस ईयर का 80 है और करंट ईयर का 130 है, तो इंडेक्स नंबर आज का करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा। तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात होती है, करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल है, बढ़िया है। तो दोस्तों अगर हम फाइनलाइज करें तो हमारी वॉल्यूम नंबर 2 से टर्म 1 के सिलेबस में 5 चैप्टर आएंगे, जिनमें से मैंने आपको एक चैप्टर इंडेक्स नंबर का डीप एनालिसिस करके दिखाया है। और आपने देखा हमारे चैप्टर में बेसिक से लेकर डेफिनेशन से लेकर प्रॉब्लम से लेकर मेथड से लेकर के टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी तक की हर एक चीज दे रखी है, और लास्ट में एमसीक्यू भी दिए गए हैं जो हमारे टर्म 1 के सिलेबस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास वॉल्यूम 1 है तो डेफिनेटली आपको वॉल्यूम 2 लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम 2 से हमारे एग्जाम में 5 चैप्टर आने हैं। और बाकी के चैप्टर की भी बात करें तो यार टर्म 2 में तो आएंगे ही ना वो वाले चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, तो ये टर्म 2 में तो आने ही आने हैं। और बल्कि टर्म 1 में भी चैप्टर इसमें से आ रहे हैं, तो आपको बाद में भी बुक परचेस करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप अभी इस बुक को परचेस करो और जो टर्म 1 के चैप्टर हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। परचेजिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप में से बहुत से बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर वॉल्यूम 2 कब आएगा, तो भाई वॉल्यूम 2 आ गया है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, बुक को परचेस करो, ऑर्डर करो और बेहतरीन लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।